वेल गाइस, तो फाइनली WWE का किंग ऑफ द रिंग पेपर व्यू शुरू हो चुका है और आज यहां पर WWE के किंग ऑफ द रिंग पेपर व्यू के ऊपर WWE के अंदर काफी सारे मेजर टाइटल ऑन द लाइन होने वाले गए। गाइस, यहां पर आज WWE के किंग ऑफ द रिंग पेपर व्यू के ऊपर WWE का वुमन टाइटल ऑन द लाइन होने वाला है, जहां पर बेकी लिंच WWE का वुमन चैंपियनशिप आज यहां पर लिव मॉर्गन के खिलाफ डिफेंड करेंगी। और गाइस, WWE के अंदर जिस तरीके से लिव मॉर्गन के रिया रिप्ली पर अटैक करने के बाद रिया रिप्ली इंजरी की वजह से कंपनी से बाहर जा चुकी गए, उसके बाद इस चीज के बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि आज यहां पर किंग ऑफ द रिंग पेपर व्यू के ऊपर पॉसिबली आज यहां पर लिव मॉर्गन यहां पर इस मैच के अंदर बेकी लिंच को हराकर बने WWE की ब्रांड न्यू वुमन चैंपियन और पॉसिबली आज पेपर व्यू के ऊपर WWE का वुमन टाइटल चेंज होने वाला है। बट इसके अलावा पेपर व्यू के ऊपर आज यहां पर WWE का IC टाइटल भी ऑन द लाइन होगा, जहां पर WWE के इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन सैमी जेन आज यहां पर उनका टाइटल एक नहीं बल्कि दो दो चैलेंजर के खिलाफ डिफेंड करेंगे। और आज यहां पर पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर सैमी जेन वर्सेस ब्रॉन्सन रीड वर्सेस चैड गेबल के बीच में ट्रिपल ट्रेट फॉर द IC टाइटल मैच देखने को मिलेगा। और बात करें अगर यहां पर इन दोनों के इस मैच की, तो आज यहां पर इन दोनों के इस मैच के अंदर इस चीज के बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि पॉसिबली चैड गेबल आज यहां पर इस मैच को जीते और WWE में चैड गेबल के हील टर्न के बाद वो यहां पर उनकी पहली टाइटल विक्ट्री को हासिल करे और शायद यहां पर सऊदी अरबिया के अंदर आज यहां पर चैड गेबल WWE के अंदर सैमी जेन और ब्रॉन्सन रीड को हरा के बनेंगे WWE के ब्रांड न्यू IC चैंपियन।